तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पेपर नंबर 2, जिसका नाम है कंपनी लॉ। 100 मार्क्स का ये पेपर है। देखिए, इसको स्टार्ट करें इससे पहले हम इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उसका जो टारगेट है वो पूरा अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। और इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है ये सारी चीजें मैं आपको अभी पहले बता रहा हूं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। दो पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बता चुका हूं, कंपनी लॉ और दूसरा है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ये दो जान है पूरा कंपनी सिक्योरिटी कोर्स का। तो उसमें हम कंपनी लॉ का भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका रिव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं इसमें कि क्या क्या है और किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है। ये जो कंपनी लॉ का पेपर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अच्छा, ये जो पेपर है इसमें आपका एक्सपर्ट नॉलेज वो डिमांड करते हैं, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लाइटली नहीं लेना है किसी भी चीज को। लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें ये जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें से मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक चैप्टर्स हैं जो इतने खास नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, हैवी वेट्स हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स जैसा कि हम देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। पार्ट 1 आपका 50 मार्क्स का है, कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स है जिसमें। दूसरा जो पार्ट है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग का, लॉ एंड प्रैक्टिस, 40 मार्क्स का है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी समझने में काफी दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को और इसमें आपकी अच्छी खासी ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है पार्ट 3 जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करता है, उसे क्या क्या करना होता है, वो 10 मार्क्स का आपको यहाँ पर दिया है। उसमें ये जो चैप्टर है 22 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसमें हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी देखने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है और ये लाइट वेट है, पढ़ना तो सभी है हमको, ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना सभी है। इसमें सारे हैवी वेट है पार्ट 2 में। और इसमें पार्ट 1 में मैं 3 चैप्टर्स आपको ऐसे बता दूं जिसमें कि हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े लाइट वेट है, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना ही है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया टोटल 23 चैप्टर्स हैं जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक एक करके मैं हर एक चैप्टर को कवर करता जाऊंगा। कोशिश हमारी रहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर लें उतना हमारे पास रिवीजन का टाइम रहता है और फिर टेस्टिंग का टाइम रहता है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फटाफट वीडियोस इसके अपलोड कर दूं और आप इसे फटाफट देखें, समझें, आप अपने नोट्स बनाएं और उसके बाद रिवाइज करें और टेस्ट दें, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद बता देता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, ये एक शीट है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ये शीट दिख रही है आपको, इस तरह की शीट हमें बनानी है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, ये मैं डाउनलोड के फॉर्म में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। जैसा मैं बता रहा हूं ना वैसा आप कीजिएगा, थोड़ा सिस्टमेटिक चलिएगा। प्रिपरेशन मैं यहाँ पे आपको पास कराना चाहता हूं, साथ में अच्छे से नॉलेज मिले आपको जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। तो सिस्टमेटिक स्टडी की बहुत जरूरत रहती है यहाँ पर। ये एक चार्ट है, ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। इसमें मैंने चार्ट में यहां पर आपको कॉलम्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स कवर करते जाएंगे, मसलन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, मान लीजिए मैंने वीडियोस पोस्ट कर दिए इसके, आपने इसको पूरा देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा आप इसको टिक करेंगे कि भाई ये मेरा हो गया है, ठीक है, एक बार हमारा वीडियोस देखना हो गया है। वीडियो देखते हुए आपको कुछ एक नोटिंग्स भी करना है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या नोट करना है, उसको आप एक शीट साथ में रखिएगा जिसको जिसमें कि आप नोट कर सके इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड्स नोट करना रहेंगे, बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं लिखना रहेंगे, कुछ कीवर्ड्स में बोलूंगा वो लिख लीजिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आप
के वीडियोस कवर होते जाएंगे हर एक चैप्टर के। चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पर क्रॉस लगाते जाना है, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा सिस्टमेटिकली पता रहे कि भाई हमारे कितने मैंने कर लिया है, कितना बाकी है। इसके बाद आपको रिवाइज करना है। यहाँ पे जैसे जैसे रिवीजन आप करते जाएंगे, रिवीजन 1, 2 एंड 3, कम से कम 3 रिवीजन आपके होने चाहिए। और आप देखेंगे कि एक बार जब आपका ये हो जाता है चैप्टर, तो रिवीजन बहुत ही फास्ट हो सकता है। पहला रिवीजन में टाइम लगेगा, उसमें दूसरे में और कम, और तीसरे में सबसे कम टाइम में फटाफट हो जाएगा आपका। इसके बाद टेस्ट मैंने यहाँ पे रखा है, प्रोविजन टेस्ट 1, टेस्ट 2। टेस्ट देना ही है। अगर आपको 100% अगर आप चाहते हैं कि भाई आप क्लियर हो जाएं सीएस एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलवेज, तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट की जरूरत होती है, और यहां पर आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे देना है? चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। याद रखिएगा जो ओवरऑल टेस्ट होता है वो आप बाद में दे सकते हैं पूरे सब्जेक्ट का, लेकिन चैप्टर वाइज से हमें क्या पता चलता है कि हमारी वीकनेस कहाँ कहाँ पर है। जैसे ये चैप्टर से मान लीजिए 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव गिवन द टेस्ट ऑफ दीज चैप्टर्स, तो यहां पर आपको मार्क्स, हर एक टेस्ट मेरा 10 मार्क्स का रहेगा। और ये जो 10 मार्क्स का टेस्ट रहता है, इसमें मैं क्वेश्चंस जो पूछूंगा उसका अगर आपने आंसर दे दिया, यूं समझ लीजिए 70 मार्क्स अगर आपने इसमें स्कोर कर लिए, तो आपका वो जो चैप्टर है वो अच्छे से हो गया है। ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, हमेशा के लिए मैं इसको फॉलो करता हूं अपनी कोचिंग में, तो वो याद रखिएगा। तो मान लीजिए आपने ये चैप्टर्स कर लिए हैं, मान लीजिए ये मान के चलते हैं ये आपके 5 चैप्टर्स हो गए, वीडियोस देख लिए। अब कई स्टूडेंट्स क्या है, वीडियो देखने के बाद आराम फरमाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियोस आपने देख लिए हैं, एक बार रिवाइज कीजिए, दूसरी बार रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में अगर आपके 70% स्कोर हो रहा है, इसका मतलब आपका ये पूरा हो गया है। यहां पर आपको मार्क्स लिखने हैं टेस्ट 1। मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में आपके 7 मार्क्स आए, इसमें 8 आए, इसमें 5 आए, इसमें आपके 9 आए, फिर इसमें आपके मान लीजिए 10 में से 10। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपको अपनी वीकनेस क्लियरली पता चल रही है कि कहां पर मैं कम पड़ रहा हूं और कहां पे मैं अच्छा हूं। तो उसके बाद दूसरा टेस्ट भी है, उसमें भी आपको पता चलेगा। तो उसके ऊपर फिर ज्यादा फोकस करना है आपको कि ये मेरा वीकनेस है। एक जैसी पढ़ाई नहीं करनी रहती है, हमको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए हमारी, और जहां जहां कमजोरी है वहां पर फिर हमको उसके ऊपर वर्क करना है। ये शीट में डाउनलोड की फॉर्म में दे रहा हूं, और अब इस वीडियो के बाद हम फटाफट स्टार्ट कर देंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 से। तो आप रेडी रहिएगा, वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसके पहले कि चैप्टर में स्टार्ट करूं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पीडीएफ दे रहा हूं इसका, इसका प्रिंट निकाल लीजिए और फिर ये इसको आप मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।